चलो आज हम लोग एक नया फॉर्मूला सीखते हैं, ठीक है, देखना फॉर्मूला, ठीक है, देखना हम लोग सीखेंगे आज, थोड़ा बड़ा लिखते हैं कि आपको अच्छा से दिख जाए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ये आता क्या है, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये आया कैसे, हम लोग समझते हैं ये आया कैसे, ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, रुक जाओ, हम इसको लिखे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हम ये ए और बी को, हम ये ए और बी को एक क्वांटिटी मान लिए, हम क्या किए, इस ए बी को प्लास्टिक में बंद कर दिए, हम इस ए और बी को प्लास्टिक में बंद कर दिए, ठीक है, और ये सी अपना है। अब देखो मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मानो हम लोग पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो यही होता है। अब देखना हम क्या किए, हम मान लिए x है हम लोग का a प्लस बी, x है हम लोग का a प्लस बी, हम इस पूरा चीज को क्या मान लिए, x मान लिए, और हम लोग y को मान लिए c, ध्यान से देखना प्लस जैसे था यहां पे उतर गया, और y c को हम लोग क्या मान लिए y। अब देखो तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, हम लोग a प्लस बी को प्लास्टिक में बंद कर दिए और c को अलग प्लास्टिक में बंद कर दिए, ऐसा समझो, c को हम लोग मान लिए y और a प्लस बी को हम लोग मान लिए x, a प्लस बी को क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए। तो अब हम लोग समझते हैं उसी को इस्तेमाल करके कैसे आएगा, तो अगर मैं इन दोनों का वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखना इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, हम लोग x का वैल्यू क्या मान लिए है a प्लस बी और y का वैल्यू हम लोग क्या मान लिए है c, ठीक है, इसको मिटाओ। अब हम लोग यहां पे वैल्यू डालते हैं, तो x क्या हो गया a प्लस बी, y क्या हो गया c, और इसका हम लोग निकाल ले स्क्वायर। अब देखना x की जगह क्या आएगा a प्लस बी, तो यहां पे क्या आ गया, देखना a x की जगह क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखते जाओ मैं बस वैल्यू पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं, y का जगह क्या आ गया c, तो यहां पे क्या आ जाएगा c का होल स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा 2 into x, x का वैल्यू क्या है a प्लस बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा a प्लस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा y, y का वैल्यू कितना है c, तो यहां पे कितना आ गया c, ठीक है। अब देखो ये तो वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही हो जाएगा, जैसे था वैसे आ गया, यहां पे क्या आएगा देखना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टू ए प्लस टू बी लिख दो, या तुम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, टू इंटू सी कितना होता है टू सी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टू सी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, टू सी ब्रैकेट में, रुको मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, हम पहले टू और सी को मल्टीप्लाई किए, देखो भाई वन इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री लिखो, थ्री इंटू टू इंटू वन लिखो, ठीक है, टू इंटू थ्री इंटू वन लिखो, सब क्या है सेम है ना, तो वही पहले मैं ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तो मैं टू इंटू सी पहले कर दे रहा हूं, क्या जा रहा है, तो टू सी इधर हम क्या लिखे टू सी और ब्रैकेट में क्या लिख दे ए प्लस बी, और टू सी इंटू ए कितना जाएगा टू ए सी, टू सी इंटू बी कितना जाएगा टू बी सी, समझ आया, टू बी सी आ गया। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, यहां तो प्लस वन मल्टीप्लाइड है, और प्लस वन साइन चेंज करते हैं क्या, नहीं, तो ए स्क्वायर ऐसे ही निकलेगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी वैसे ही निकल गया बी स्क्वायर, ये भी वैसे ही निकल गया टू ए बी, यहां से सी स्क्वायर मिल गया, यहां से टू ए सी और टू बी सी भी हम लोग को मिल गया, मिल गया ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे देखना, हम इसको इसको और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को साइड में लिख दिए, क्या लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन तीनों को एक साथ क्या कर सकते हैं टू ए बी, जैसे इसमें देखना रेड पेन से, इसको इसको और इसको क्या किए टू कॉमन ले लिए, टू कॉमन ले लिए और क्या लिख दिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, समझ आया, क्या किए
हम लोग 2AB 2AB 2AC 2BC से क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए और ब्रैकेट के अंदर AB plus BC plus AC लिख दिए। जैसे अगर नहीं समझ रहे देखो, यहां पे अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2AB, फिर यहां पे क्या जाएगा 2BC, फिर यहां पे क्या जाएगा 2AC। सिंपल समझ आ रहा है, तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला आया है। अब कोई बोलेगा नहीं हमको इन दोनों को प्लास्टिक में बंद नहीं करना है, हम तो भाई इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को मतलब हम ए को अलग रखना चाहते हैं और इन दोनों को अलग रखना चाहते हैं, इन दोनों को अलग रखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उसको भी देखते हैं, देखते हैं कि दोनों तरीका से सेम तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, और अगर सेम नहीं आया मतलब हम लोग का लॉजिक गलत है, हम लोग गलत तरीका फॉलो किए, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं उसको मिटा दे रहा हूं, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पिछला में हम लोगों ने इन दोनों को एक साथ माना था, इसको अलग माना था, अब हम एक काम करते हैं इन दोनों को एक साथ नहीं मान के इन दोनों को एक साथ मान लेते। तो बी प्लस सी को हम लोग प्लास्टिक में बंद कर दिए और ए को भी हम लोग प्लास्टिक में बंद कर दिए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लिए एक्स को ए के बराबर और वाई को बी प्लस सी के बराबर, हम लोग मान लिए बी प्लस सी के। देखो हम लोग x को ध्यान से देखना, हम लोग x को मान लिए a के बराबर, ठीक है, ये साइन जैसे था उतर गया, यहां पे प्लस, देखो यहां पे प्लस आ गया, और b प्लस c को हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए, b प्लस c को हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को जहां जहां जिसका वैल्यू है उसको पुट कर देना है। चलो पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू क्या है a और y का वैल्यू क्या है b प्लस c, चलो पुट करते हैं। x का जगह क्या आ जाएगा a, a का होल स्क्वायर, y का जगह क्या आ जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस c का होल स्क्वायर, और 2xy, x का वैल्यू है a और b का y का वैल्यू है b प्लस c, क्या है b प्लस c, तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, उसको a स्क्वायर ही लिख देते हैं। b प्लस c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा देखना, 2 into a, 2a into b कितना हो जाएगा 2ab, 2a into c कितना हो जाएगा 2ac, समझ आ रहा है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2a और 2a into b, 2ab 2a into c 2ac, ठीक है। अब यहां पे ब्रैकेट के बाहर क्या मल्टीप्लाइड है, प्लस 1, तो क्या साइन चेंज होगा, नहीं, तो हम लोग का बाहर क्या निकलेगा a स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा b स्क्वायर, यहां आ जाएगा c स्क्वायर, यहां पे क्या आ गया 2bc, यहां पे आ गया 2ac, यहां पे आ गया 2 सॉरी यहां पे आ गया 2ab और यहां पे आ गया 2ac। अब हम लोग रीअरेंज कर दे रहे थे, देखो ये तो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दिए, यहां पे जैसे था वैसे ही छोड़ दिए, बस अब AB को इधर लिख दिए, BC को वहां लिख दिए, हम क्या किए 2AB को यहां लिख दिए, 2BC को यहां लिख दिए और 2AC को यहां लिख दिए, और तीनों में से 2 को कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा AB plus BC plus AC, और A square plus B square दोनों बार नीचे उतर गया, A square plus B square plus C square, A square plus B square plus C square, समझ आ गया। तो हम लोगों ने दूसरा मतलब इन दोनों को भी पेयर मान के किया, तब भी वही आंसर आया। तो भाई तुमको जैसे करना करो, आंसर तो वही आने वाला है ना, आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों को और एक प्रॉब्लम होता है क्या, जैसे मानो अगर ये तो फॉर्मूला लोगों को पता है, अगर मानो हम लोग को ये दिया होता ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते, कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई ये यही फॉर्मूला है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से लिखना, a प्लस प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए माइनस b, ठीक है, और यहां पे प्लस c जैसे है वैसे लिख दिए। अब समझ आया, अब ध्यान से देखो, जहां जहां a है वहां a रहेगा, जहां जहां b था वहां पे क्या आ जाएगा माइनस b, और जहां जहां c था वहां क्या आ जाएगा c रहेगा। मतलब अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पे देखो हम लोग सबसे पहले वो सेम फॉर्मूला लिखेंगे जो हम लोग लिखते हैं, क्या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 बाहर रहेगा 2 ब्रैकेट के बाहर ab प्लस bc प्लस ca। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब ध्यान से देखो, यहां पे a का वैल्यू क्या है, a ही है, तो a का जगह a ही आएगा, b का वैल्यू क्या बन चुका है माइनस b, तो b का जगह क्या आ जाएगा माइनस b, और c का वैल्यू क्या है c ही है, ठीक है।
तो अब इधर पुट करते हैं, ए का जगह ए आ गया, बी का जगह माइनस बी आ गया, सी का जगह सी आ गया, ठीक है। इधर ए का जगह ए ही आया तो ए स्क्वायर, बी का जगह क्या गया माइनस बी तो माइनस बी का होल स्क्वायर, सी का जगह तो सी रहेगा तो सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखना प्लस टू, यहां पे क्या जाएगा ए इंटू माइनस बी, यहां पे क्या जाएगा माइनस बी इंटू सी, यहां पे क्या जाएगा सी इंटू ए, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा लिख दिए, माइनस बी कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है वही नंबर, तो यहां पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। यहां पे देखना क्या होगा, यहां पे हो जाएगा ए इंटू माइनस बी कितना हो गया माइनस ए बी, माइनस बी इंटू सी, ठीक है, माइनस बी इंटू सी कितना हो जाएगा माइनस बी सी, और यहां पे प्लस सी इंटू प्लस ए कितना हो जाएगा प्लस ए सी, ठीक है, समझ आ गया। मतलब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस जो जहां पे जो साइन है उधर पे उसको पुट कर देना है, जो जहां पे जिसका साइन है हम लोग उसको वहां पे पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का न्यू फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूला नहीं है, बस हम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। और अगर अब तुमको कोई भी पूछे, अगर मान लो तुमसे कोई पूछता है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सिंपल कुछ नहीं करना है। तो इसका एक ट्रिक भी बताते हैं, देखो सबसे पहले कोई भी नेगेटिव नंबर भी रहे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो वही आने वाला है, मतलब फॉर्मूला में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि नेगेटिव बी का स्क्वायर, यहां पे हम लोग ए का वैल्यू क्या लेंगे ए, बी का वैल्यू क्या लेंगे माइनस बी, और सी का वैल्यू क्या लेंगे माइनस सी। तो देखो ए का जगह ए ही आएगा, देखो चलो आप कर ही लेते हैं, ए का जगह तो ए ही आएगा तो ए स्क्वायर, बी का जगह क्या आ जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर, और सी का जगह क्या आ जाएगा माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, इसको मिटाओ, पुराना क्वेश्चन का था, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो जो था वही रहेगा। अब अंदर का गेम, अंदर क्या है, ध्यान से देखना, टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ध्यान से देखो ए क्या है पॉजिटिव, बी क्या है नेगेटिव, तो सीधा यहां पे क्या लिखेंगे माइनस ए बी, बी सी, बी क्या है नेगेटिव, सी क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो डायरेक्ट यहां पे क्या लिखेंगे बी सी, ए सी, ए क्या है पॉजिटिव, सी क्या है नेगेटिव, तो प्लस ए इंटू माइनस सी कितना जाएगा माइनस ए सी। तो हम लोग डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं, मतलब हम लोग को कुछ ताम झाम नहीं करना है, अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है हम लोग सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले लिख देंगे, हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए। अब हम लोग मन में सोचे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac लिखा हुआ है, अब तुमको बस कुछ नहीं करना है, तुमको मल्टीप्लाई मन में करना है, ab तो प्लस a है और माइनस b है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो यहां पर क्या आ गया माइनस ab। देखो फिर हम लोग को क्या था बीसी, तो बी क्या है नेगेटिव, सी क्या है नेगेटिव, माइनस बी इंटू माइनस सी क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस बीसी। देखो यहां पे क्या आ गया प्लस बीसी, फिर क्या माइनस ए सी कैसे आया, देखो ए क्या है पॉजिटिव, सी क्या है नेगेटिव, प्लस ए इंटू माइनस सी, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो देखो सीधा हम लोग क्या लिखे यहां पे माइनस ए सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो वही रहेगा क्योंकि नेगेटिव का होल स्क्वायर क्या आता है पॉजिटिव ही आता है, मतलब याद करने का फॉर्मूला भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जो पिछला क्वेश्चन था देखो हम लोग क्या था a प्लस a माइनस बी प्लस सी, कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जैसे था लिख दिए। अब यहां पे देखना है a भी आया ना, a क्या है पॉजिटिव, b क्या है नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो हम इधर क्या लिख दिया माइनस ए बी। फिर क्या है bc है ना, प्लस bc था, तो b क्या है नेगेटिव, c क्या है पॉजिटिव, तो माइनस बी इंटू प्लस सी कितना आ जाएगा माइनस bc आ गया, देखो माइनस bc। और लास्ट में क्या ac, तो c भी क्या है पॉजिटिव, a भी क्या है पॉजिटिव, तो a प्लस ए इंटू प्लस सी कितना आ गया ac, समझ आ गया। तो हम लोग का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी अच्छे से हो गया, ठीक है, चलो।